वेंकट क्लब में जनजाति रिसर्च एवं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दृष्टि शुक्ला की डोर्स ऑफ इंडिया पर आधारित फोटोग्राफ की 2 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की गई। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा, यह प्रदर्शनी युवा शोधकर्ताओं के लिए अच्छे संकेत हैं, काम करने की नई संभावनाओं के द्वार खोलती है। SDM शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदर्शनी अपने पूरे भारत का छोटा आईना है जो खुद में बहुत सारी खूबसूरती समेटे हुए है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन व राज्य आनंद संस्थान के मुकेश एंगल ने प्रदर्शनी की सराहना की। जिला पंचायत CEO स्वप्निल वानखेड़े, रचना श्रीवास्तव, प्रोफेसर तिवारी सहित समाज सेवी और अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। एक्चुअली मेरा जो प्रोजेक्ट चलता है तो उसका मैं वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हूँ, तो आर्ट कल्चर और हेरिटेज का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में क्या रोल रहता है ये उसके बारे में है। तो फोटोग्राफी तो मैं करती ही थी, तो दरवाजे जब मैंने पुराने देखे तो दरवाजे जो अलग अलग दरवाजे हैं, अलग अलग सिटी के जो दरवाजे हैं तो वो अलग अलग स्टोरी बताते हैं। अगर आप यहाँ के दरवाजे देखेंगे, रीवा के दरवाजे देखेंगे तो यहाँ आपको मछलियाँ दिखेंगी, तो मछलियों का कैसे दरवाजों के साथ लिंक है, मछलियाँ यहाँ शुभ मानी जाती हैं तो इसलिए यहाँ पर मतलब मछलियाँ। अगर जो आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पर आपको टाइगर या फिर एलिफेंट रहते हैं, तो उस चीज़ का क्या मतलब लिंक हो सकता है एनिमल्स का, तो ये उस चीज़ पे मतलब मैंने दरवाजों के साथ थोड़ा सा लिंक करने का कोशिश की है। कितने जो होंगे दरवाजे होंगे, कितने दरवाजे होंगे ये और कैसे ये बनाया थोड़ा सा? तो 2016 से मैंने स्टार्ट किया था। मैं वैसे वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हूँ और मैं जगह जगह ट्रैवल करती हूँ अपने रिसर्च पर्पज़ से, तो जगह जगह मुझे लोकल आर्ट कल्चर थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करना अच्छा लगता है। तो हर जगह के जब मैंने 2020 में मैंने अपने चीज़ें सेग्रीगेट करना स्टार्ट की, तब मुझे मतलब पता चला कि अहमदाबाद के दरवाजे अलग हैं, अगर राजस्थान आप जाओ तो जयपुर के दरवाजे अलग दिखेंगे, जोधपुर के दरवाजे अलग दिखेंगे, रीवा के दरवाजे अलग दिखेंगे। तो हर जगह के जो दरवाजे हैं अपनी अलग एक स्टोरी बताते हैं। अभी तो मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं वनवासी आदिवासी में एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ अरुणाचल प्रदेश में, तो मुझे USA से एक स्कॉलरशिप मिली हुई है, तो इसमें मैं शेरदुकपेन ट्राइब्स हैं अरुणाचल प्रदेश की, उनके ऊपर काम कर रही हूँ, वहाँ पे वर्कशॉप करूँगी, उनके आर्ट कल्चर और हेरिटेज का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में क्या रोल रहता है उसमें मैं आर्ट भी करती हूँ, और वहाँ पर बच्चों को वर्कशॉप वगैरह कराना, उनकी जो मास्क जो पहनते हैं एनिमल्स के जो मास्क रहते हैं उसकी क्या स्टोरी रहती है, उस चीज़ पे इलस्ट्रेशंस भी बना रही हूँ।